हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज है 12 तारीख, 12 नवंबर 2020। आज है धनतेरस। तो शुरू करने से पहले ब्लॉग आज का मैं विश करती हूँ हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर। जो मुझे सब्सक्राइब किए हो उनको भी, जो मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक उनको भी हैप्पी धनतेरस। लक्ष्मी देवी आप लोगों के घर हमेशा कुबेर देव के साथ विराज रहे, वही विश करती हूँ। जैसे कि कल का ब्लॉग मेरा आया था और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आज का वीडियो है जो सीरीज में चलाती हूँ थर्सडे के दिन, थ्रोबैक थर्सडे। लेकिन आज थ्रोबैक थर्सडे है तो स्टोरी बहुत कुछ सुनाने के लिए, लेकिन मैं ये धनतेरस के दिन एक गंभीर चीजों में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इसके लिए आज का थ्रोबैक थर्सडे मैं नहीं आप लोगों को कुछ स्टोरी सुना रही हूँ, एक छोटा सा स्टोरी सुना ही देती हूँ। आज मैं वीडियो में कोई इंट्रो वगैरह कुछ नहीं रखूंगी क्योंकि ये सीरियस नोट पे मैं आज का वीडियो कर रही हूँ, इसके लिए कोई म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं। और जैसे कि मैं मतलब बहुत कोई मेरा स्टोरी लाइक करता है और इसके लिए मैं उनको भी निराश नहीं करना चाहती हूँ, इसके लिए एक छोटा सा स्टोरी मैं सुना देती हूँ। ये स्टोरी है 2006 की, जब मेरा बेटा पैदा हुआ था और ये दिवाली के पहले जॉयदीप तब ऑफिस से घर आता था लंच टाइम में। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे से डरते हैं, ऐसा नहीं कि राउडी रहते हैं हमेशा मतलब लेकिन मेरा नेचर थोड़ा राउडी है तो जॉयदीप कोई भी काम कभी भी करता है तो मेरे से पूछ के करता है। तो ऐसे दोपहर में लंच में खाने को आया तो सोमदीप्ता छोटा था, मैं उसके साथ लेटी हुई रहती थी, तो लेटे लेटे उन्होंने बोला एक काम करके आया, गुस्सा नहीं होगी तो तू डांटेगी नहीं तो मुझे, मैं एक छोटा सा काम करके आया विदाउट तेरा परमिशन। तो मैंने उनको बोला कि क्या करके आए हो बताओ, तो बोला कि दिवाली आ रहा है, काली पूजा आ रहा है, तो मैं एक छोटा सा 2.5-3 फुट का काली माँ का ऑर्डर दे के आया हूँ और इस बार हम लोग घर में काली पूजा करेंगे। तब से 2006 से मेरे घर में काली पूजा स्टार्ट हुआ था, लेकिन 3 साल मैंने काली पूजा किया अपने घर में। वो स्टोरी मैं कभी और भी सुनाऊंगी क्योंकि वो उसका जो एम्बियंस हुआ करता था, कैसे हुआ करता था। तो ऐसे हम लोग शुरू किए थे काली पूजा और बहुत अच्छे से काली पूजा सेलिब्रेट करते हैं। तो आज है धनतेरस, कल है छोटी दिवाली, उसके बाद है दिवाली, तो काली पूजा धनतेरस सब मिला के हैप्पी दिवाली सबको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। ऑलरेडी बकबक थोड़ी कर ली, एक छोटा सा स्टोरी भी शेयर कर दिया। ये देखिए ये है मेरा मोबाइल, आप लोगों को उल्टा दिख रहा है क्या? सही है, उल्टा ही दिख रहा होगा शायद क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से कर रही हूँ। तो आप लोग देखिए यहाँ पे एक नंबर है 8885584847 नंबर से, मैं देख के सीधा तरीके से बोल देती हूँ 8882422847। मैं 5 बताई थी क्योंकि मैं भी उल्टा पढ़ रही थी। तो ये मैसेज आप लोग स्क्रीन नज़दीक करूंगी तो आप लोगों को शायद, ये मेरा मोबाइल का फोकस नहीं हो रहा है कैमरा, तो ये ट्विस्डे का है, ट्विस्डे को ये मैसेज आया था मुझे, मैं अभी तक इसको रिपोर्ट ब्लॉक नहीं किया क्योंकि आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना था। तो ये मैं मैसेज को इधर से ओपन करती हूँ, देखिए ये देखिए ऐसा मुझे मैसेज आया मोबाइल पे, ये ट्विस्डे का मैसेज है, यहाँ पे लिखा हुआ है 25,000 का मुझे लोन का अप्रूव हो गया। तो इधर पे एक URL दिया गया हुआ है, उस पर क्लिक करके मुझे टर्म्स एंड कंडीशन है वो मुझे सेलेक्ट करना है। तो ये ट्विस्डे को आया था, चाहती हूँ नंबर के साथ ये मेरा व्हाट्सएप पे मैसेज आया, ये फोकस नहीं हो पा रहा है कैमरा, थोड़ा दूर करती हूँ, आप लोगों को शायद नंबर दिख रहा है, मैं पढ़ के बताती हूँ 7043663019। और एक बार मैं बता रही हूँ नंबर को 7043663019। ये देखिए ऐसा एक मैसेज मेरे मोबाइल में आया है और ये मोबाइल में
लिखा ऐसा है, कॉन्ग्रेचुलेशन माई डियर लकी कस्टमर, यू हैव ओन द प्राइस ऑफ 25 लाख्स बाय केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, नॉट पति, PATTI कंपनी, ऑल इंडिया व्हाट्सएप नंबर का लॉकी ड्रॉ ऑफर हुआ है, जिसमें आपका इस व्हाट्सएप नंबर पर 25 लाख लॉटरी लगा है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। लॉटरी अमाउंट लेने के लिए MD मैनेजर डायरेक्टर राजकुमार से कांटेक्ट करो, जो आपका प्राइस आपको कैश करवाएगा। MD राजकुमार ऑल इंडिया लॉटरी मैनेजर और RBI बैंक में ब्रांच कोलकाता के मैनेजर डायरेक्टर है। आप अर्जेंटली उनके पास व्हाट्सएप कांटेक्ट करिए। व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर है 9559135635। मैं और एक बार बोल रही हूँ, 9559135635। योर लॉटरी नंबर इज, कुछ उन्होंने दिया है, फाइल नंबर 77, KBC हेड ऑफिस ऑनलाइन, व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर 9559135635। कॉल टू दिस व्हाट्सएप नंबर। देखिए, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके भी मैं जस्ट इसके ब्लॉग के पीछे ही डालूंगी, तो आप लोग, ये उल्टा दिख रहा है तो आप लोग भी इसको पढ़ सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये सब क्या सही है, कौन करता है, कैसे करता है और ये सब क्यों करता है? मेरे बेटे के, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि मुझे तो मैसेज आया, लेकिन मेरे बेटे के मोबाइल पे व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज आया था, मुझे तो रिटर्न मैसेज आया। मैं इसका फोटो आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगी। तो इसके ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए, आप लोगों के साथ भी अगर कभी ऐसा हुआ है तो प्लीज फ्रेंड्स बताइएगा, आप लोग इसके अगेंस्ट में क्या स्टेप लिए हो। मैंने लगभग हो गया 20 साल तक केबीसी का कोई कॉन्टेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं केबीसी फॉलो नहीं करती हूँ, सीरियल टीवी कुछ नहीं उतना फॉलो करती हूँ मैं, इसके लिए केबीसी भी नहीं फॉलो करती हूँ। पहले पहले मैं केबीसी फॉलो करती थी, और जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो 3 बार मैंने उन लोगों का जो फोन नंबर होता है वो फोन नंबर पे रैंडम कॉल करके मैंने क्वेश्चन आंसरिंग का 3 टाइम सही जवाब दे के भी कभी मुझे दोबारा कॉल नहीं आया केबीसी से। तो कैसे हो सकता है कि केबीसी से मैं 25 लाख रुपया जीत सकती हूँ, और वो भी मेरे मोबाइल पे मैसेज आया, जबकि मैं खुद बहुत पहले, मतलब जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, सोचिए वो टाइम का बात मैं कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। तो ये सारे फ्रॉड कहाँ से पैदा होते हैं, और इन सब फ्रॉडों का कैसे हम लोग, कैसे इन लोगों से निजात पा सकते हैं, साइबर क्राइम का कोई अगर कोई लॉ है, कुछ है तो प्लीज, अगर आप लोगों को मतलब मालूम है तो मेरे साथ प्लीज शेयर करिएगा, और इसको लाइटली मत लीजिएगा। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये मैसेज रिपोर्ट स्पैम नहीं किया था, अभी मैं इसको ब्लॉक रिपोर्ट स्पैम कर दूंगी। तो आज का ब्लॉग था, यही पर खत्म करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे ये सारे चीजें अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मैंने आज आप लोगों के साथ ये शेयर किया। तो बुरा मत मानिएगा, ये एक अवेयरनेस, फिर से एक अवेयरनेस वीडियो ही है, मान लीजिए ऐसा ही है, क्योंकि कोई फ्रॉड ना हो, यही मेरा मतलब मकसद है, इसलिए मैं फोन नंबर के साथ आप लोगों को पूरा मैसेज पढ़ के शेयर कर दिया, और मैसेज दिखा भी दूंगी। तो आज के लिए था इतना ही। बी सेफ, स्टे सेफ, फ्रॉड से बचिए इस दिवाली। नो क्रैकर्स, नो फायरवर्क्स, और दिया, कैंडल और सुंदर सुंदर LED लाइट भी आते हैं, लैंप भी आते हैं, वो सारे चीजों से अपने घर को सजाइए। घर के बाहर बहुत सुंदर रंगोली लगाइए, रंगोली बनाइए और उसको डेकोरेट कीजिए। अच्छा कपड़ा पहनिए, साफ सुथरा और बहुत सुंदर तरीके से अपने को ड्रेसअप करिए, और दिवाली फ्रेंड्स और फैमिली और मिठाई के साथ करिए, इंजॉय। तब तक के लिए मैं करती हूँ बाय बाय, आज है इतना ही, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।